الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر من إهراق الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ اور جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذخیرۂ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرماؤ کہ مالک کائنات خالق لم یزل مجھ حقیر پر تقصیر کو اس کے مطابق شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرماؤ کہ رب العالمین جو کچھ سنیں جو کچھ سنائیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اور جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر کچھ قربانی کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ کے علم کے اندر ہے کہ یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، بس آنے والے بدھ کو عید الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ کا دن ہوگا، اور اس ذوالحجہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ایک سنت کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ اور پچھلی امتوں کے اندر رائج فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ये जो हम हर साल कुर्बानी करते हैं, हर साल जानवर ज़िबा करते हैं, ये क्या चीज़ है, आखिर क्या वजह है? लाखों हज़ारों रुपया हम लगाते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं। गोश्त तो हम सारा साल खाते हैं, गोश्त तो इसके अलावा भी खाया जाता है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये जो हम कुर्बानी करते हैं ये क्या चीज़ है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, कि ये जो हम कुर्बानी करते हैं हर साल, कुर्बानी जो हम हर साल करते हैं, फरमाया कि ये कुर्बानी तुम्हारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कुर्बान जाइए इनकी हस्ती पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक एक बात उन्होंने पूछी उम्मत के फ़ायदा के लिए, कोई बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मख्फी न रहने दी। जो दिल के अंदर सवाल आया उम्मत के लिए कर दिया। एक मौका पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस इरशाद फरमाई, फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, एक दौर आने वाला है कि जिस दौर के अंदर एक शख्स को 50 लोगों के बराबर सवाब मिलेगा। एक दौर आने वाला है कि उस दौर के अंदर, फरमाया कि एक शख्स को 50 आदमियों के बराबर सवाब मिलेगा अगर कोई वो अच्छा अमल करेगा। अब देखें, अगर सहाबे किराम यहाँ खामोश हो जाते, बस खामोश हो जाते, तो 50 आदमियों का सवाब था, मालूम नहीं कौन से दौर के 50 आदमियों का सवाब था। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर फौरन सवाल कर दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को जो 50 आदमियों का सवाब मिलेगा, वो 50 आदमी कौन से दौर के होंगे? क्या हमारे दौर के होंगे या उसी दौर के होंगे? अब जब उन्होंने ये सवाल किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आपके इल्म के अंदर है कि उम्मत पर कितने शफीक हैं, फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, उस दौर के अंदर जो इंसान नेक अमल करेगा उसको आज के दौर के, यानी 50 सहाबे किराम के अमल के बराबर सवाब मिलेगा। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ कर दी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इस कुर्बानी के अंदर क्या है? हम जो ये कुर्बानी करते हैं, आने वाले दौर के अंदर उम्मत मुहम्मदिया कुर्बानी करेगी, उन्हें इसका सिला क्या मिलेगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनके लिए ये है कि जो इंसान जो कुर्बानी करेगा उसके ऊपर जितने बाल होंगे, हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी इनायत फरमाए। हज़ार बाल हज़ार नेकियाँ, करोड़ बाल करोड़ नेकियाँ, लातादाद बाल हैं तो लातादाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियाँ अता फरमाए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, बालों की बात तो समझ आ गई, जो भेड़ के ऊपर ऊन होती है उसका क्या बनेगा? फरमाया, उसके बदले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बाल के बदले एक नेकी इनायत फरमाए। तो ये कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और कुर्बानी की हकीकत क्या है कि जानवर को ज़िबा करना 10, 11, 12, इन तीन अय्याम के अंदर, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा। फरमाया, कुर्बानी की हकीकत यह है कि इन तीन अय्याम के अंदर जानवर को ज़िबा करना हुसूल रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए इन तीन अय्याम के अंदर जानवर को ज़िबा करना, ये कुर्बानी है। अब ये बात आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस पढ़ी है, कमा अमिला बनु आदमा मन अमिला यौम नहरी मिन इहराक़ दम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का, यानी इस इन इंसानों का जो है कोई अमल भी इस यौम नहर जो है ईद उल अज़हा के अय्याम के अंदर अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब नहीं सिवाय किसके, अहब्बल्लाहु मिन इहराकिद्दम, सिवाय इसके कि अल्लाह के यहाँ खून का बहाना ये सबसे ज़्यादा महबूब है इन अय्याम के अंदर। अब आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा धूम और शोर बरपा है,
बड़ा वावेला जो है मचाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। हर साल ये जो है काम होता है, हर साल कुर्बानी के अय्याम के अंदर ये शोर बरपा होता है। क्या है भाई, कुर्बानी करने पर हज़ारों लाखों रुपए क्यों ज़ाया करते हो? ये जो आपने कुर्बानी करनी है ये ज़ाया क्यों करते हो? इसको किसी गरीब आदमी को दो, किसी गरीब की बेटी बैठी है उसका जहेज बना दो, किसी गरीब आदमी के घर जो है चूल्हा नहीं जल रहा उसको कुछ माली इमदाद कर दो। फरमाया कि ये तुम कुर्बानी क्यों करते हो, ये तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाहु मिन इहराकिद्दम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब इन अय्याम के अंदर जो अमल है वो है खून का बहाना। ज़रा बात समझना, कुर्बानी जो है ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए की जाती है, कुर्बानी की जाती है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, और कुर्बानी की रूह जो है वो है खून का बहाना। खून बहाया जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की खिदमत में नजराना पेश करने के लिए। कुर्बानी गोश्त खाने का नाम नहीं है, कुर्बानी गोश्त हासिल करने का नाम नहीं है। फुकहाए किराम ने लिखा है कि अगर कोई इंसान इस नीयत से कुर्बानी करता है कि इससे मैं गोश्त हासिल करूँगा फिर वो मैं खाऊँगा, फरमाया उसकी कुर्बानी ज़ाया हो गई। सिर्फ यही नहीं फरमाया, बल्कि फुकहाए किराम ने यहाँ तक लिखा है कि अगर एक बैल के अंदर, एक बछड़े के अंदर सात आदमी हिस्सेदार हैं, सातों में से किसी एक की भी नीयत है कि इससे मैं गोश्त हासिल करूँगा, सातों की कुर्बानी ज़ाय हो गई। आप बताओ कि कुर्बानी का मकसद, कुर्बानी की रूह क्या चीज़ है? गोश्त हासिल करना है। गोश्त इंसान सारे साल नहीं खाता, सारा साल इंसान गोश्त खाता है, लेकिन ये जो कुर्बानी की रूह है ये है इहराकुद्दम, खून का बहाना कुर्बानी की रूह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल करने के लिए खून बहाया जाता है, इसका नाम है कुर्बानी। और एक और बात आपके इल्म के अंदर हो कि दीन नाम है इत्तेबा का, मनमर्जी का नाम नहीं है कि जो बात अकल के अंदर आई कर गुजरे, इसका नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन नाम है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना और बग़ैर चूँ चना के मानना, बग़ैर किसी तावील के मानना, अकल के अंदर आए तब भी मानना, ना आए तब भी मानना, इसका नाम है दीन। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि जो इंसान कुर्बानी करे, अकल तो ये तस्लीम नहीं करती कि इससे सवाब मिले, अकल तो ये तस्लीम नहीं करती कि किसी जानवर को ज़िबा करके इंसान सवाब हासिल करे। अब वकूफ़ अरफा है, नौ ज़िलहज्जा को हाजी लोग जो अरफा के अंदर वकूफ़ करते हैं, अब ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि वकूफ़ अरफा करना है नौ ज़िलहज्जा को, बाकी 364 दिनों के अंदर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। अब बाकी साल एक दिन नौ ज़िलहज्जा छोड़कर सारा साल वकूफ़ अरफा करो, कोई सवाब नहीं मिलेगा। अब अकल का तकाजा तो ये है कि अगर वकूफ़ अरफा के अंदर सवाब है तो फिर सारा साल वहाँ वकूफ़ किया जाए, नहीं बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया एक दिन ठहरना है, बस एक दिन ठहरना है, एक दिन ठहरोगे सवाब, सारा साल बाकी बैठे रहोगे कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुर्बानी किस चीज़ का नाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की का कुर्ब हासिल करना, और दीन नाम है आप अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इत्तेबा करना, ना कि अपनी अकल, ना कि अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना। तो ये जो एतराज़ करते हैं मुल्हिदीन, इनका रद्द आप अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया कि एक कुर्बानी जो है वो एहराक़ दम, खून का बहाना है। अच्छा, एक और मज़े की बात है, ये कुर्बानी वाहिद माली इबादत है, बहुत अल्लाह ने मुनफरिद रखी है। देखिए, माली इबादत जो होगी, ज़कात अल्लाह ने माली इबादत रखी है, जब तक ये इंसान की मिल्कियत से नहीं निकल जाती अदा नहीं होती। अगर इंसान इसको गरीब आदमी को दे लेकिन उसको पाबंद करके दे कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, इससे कपड़े ही खरीदने हैं, फुकहा ने लिखा है इससे आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। बल्कि जो इंसान ज़कात देता है वो गरीब आदमी को इस तरीके से दी जाए कि भाई ये आपके लिए ज़कात है, ये आप अब इसके अंदर जो चाहें करें, इससे नशा करें, इससे अच्छी चीज़ खरीदें, इससे आप जो है खाना खाएं, कपड़े बनाएं, घर बनाएं, बच्चों के लिए ईदी दें, जो मर्ज़ी करें आपकी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसको मुकम्मल तौर पर मालिक बना दिया गया। इन्फाक़े मालिया जो इन्फाक होता है, ख़र्च करना होता है, माली इबादत के अंदर अल्लाह ने मिल्कियत शर्त रखी है, लेकिन कुर्बानी वाहिद अल्लाह ने ऐसी इबादत रखी है कि इसके अंदर मिल्कियत शर्त नहीं है।
अब देखो, पैसा लगाया, जानवर खरीदा, खरीदने के बाद उसको ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद अब इसके अंदर से आप एक बोटी भी किसी गरीब आदमी को ना दें, आपकी कुर्बानी दुरुस्त हो गई। सारा गोश्त आप खुद खाएं, आपकी कुर्बानी दुरुस्त हो गई। कोई ज़रूरी नहीं है किसी को देना। हाँ, एक अलहदा बात है कि गुराबा का हिस्सा निकालना या आप सलातम की हदीस है, लेकिन जो है कुर्बानी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाहिद इबादत एक ऐसी है कि इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए ही इसके अंदर ये सहूलत रखी है कि इंसान के लिए अपनी जेब से, अपनी मिल्कियत से माल निकालना ज़रा मुश्किल है। इंसान कमाए, कमाने के बाद आप देखो कि ज़कात के अंदर 40वां हिस्सा है कि 40 रुपए के अंदर 1 रुपया आपने देना है, 100 के अंदर 2.5। कितनी चीजें हैं, थोड़ी सी मालियत अल्लाह ने रखी, लेकिन फिर भी आपके इल्म के अंदर है कि मुआशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस थोड़ी सी मिकदार को निकालते हुए भी उनका दिल दुखता है। क्यों? क्योंकि एक अपनी जेब से पैसा निकालना मायना रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुर्बानी को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी आसानी पैदा फरमा दी कि इसके अंदर अल्लाह ने फरमाया कि माल खर्च करो, खुद खाओ, किसी को ना दो तब भी तुम्हारी कुर्बानी ठीक है, इसलिए कि इंसान अपने ऊपर खर्च करना ज़रा आसानी के साथ खर्च कर देता है ताकि हर आदमी कुर्बानी कर ले, और कुर्बानी करके क्या करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर ले। और कुर्बानी वाजिब किस पर है? फुकहाए किराम लिखते हैं कि जिस इंसान की मिल्कियत के अंदर 52.5 तोले चांदी, ज़रा तवज्जो रखना, जिस इंसान की मिल्कियत के अंदर 52.5 तोले चांदी या उसकी मकदार, यानी पैसा हो, नकदी हो, जेवरात हो, या बिलफरज एक घर के अंदर सोने की अंगूठी है और साथ में पैसे पड़े हैं, कुछ रुपए पड़े हैं, 1000, 2000, 2000, तो आप देखेंगे कि ये 52.5 तोला चांदी तक कीमत पहुँचती है। मेरे ख्याल से तो पहुँच जाएगी क्योंकि सोना बहुत महंगा है। फरमाया कि उस इंसान पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। हती कि फुकहाए किराम ने यहां तक लिखा है कि अगर जरूरत से जायद माल इंसान के पास 52.5 तोला चांदी की मकदार का पड़ा है तब भी कुर्बानी वाजिब। अब क्या है कि आपके सामने है ज़रूरत से ज़ायद माल हर इंसान के पास, फिर भी पूछते हैं जी कुर्बानी करें ना करें। हाँ, कर्ज उसका निकालना एक अलहदा बात है, फिर भी पूछते हैं कुर्बानी, यानी हीला बहाना बस ये सब चीज़ें। एक सोशल मीडिया के ऊपर कल फेसबुक पे मैं देख रहा था, एक पोस्ट लगी हुई थी कि एक आदमी हाथ के अंदर 50,000 का मोबाइल लेकर पूछता है कि क्या मैं कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब है या नहीं। यानी हाथ के अंदर 50,000 का मोबाइल है, मौलवी साहब से पूछता है कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। फरमाया कुर्बानी हर उस इंसान के ऊपर वाजिब है कि जो जिस इंसान की मिल्कियत के अंदर 52.5 तोला चांदी की मकदार या 52.5 तोला चांदी जो है उसकी मिल्कियत के अंदर हो, या ज़रूरियात ज़िंदगी से जायद माल उसकी मिल्कियत के अंदर हो, या फुकाहे किराम ने यहाँ तक लिखा है कि अगर उसको 10 मरले घर की ज़रूरत है और उसका घर जो है जैसे देहातों के अंदर होता है 2 कनाल के अंदर है, फरमाया वो भी ज़रूरत से ज़ायद है, वो भी इसके निसाब के अंदर शामिल होगा कि तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब बताओ क्या जो है कुर्बानी के लिए इंसान फिर भी हीले बहाने तलाश करे। फिर एक और बात आपको अभी बताई है कि कुर्बानी करके खाना भी आप ही है, लेकिन एक बात है कि नियत नहीं करनी। अगर नियत गोश्त की होगी तो आपकी कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी और आपके साथ वाले हिस्सेदारों की भी कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह ने यही फरमाया कि हमें ना आपका खून चाहिए इसका कुर्बानी का और ना इसका गोश्त चाहिए, ना तो इस कुर्बानी से हमें गोश्त मकसूद है, ना इस कुर्बानी से हमें क्या है खून मकसूद है, ना हमारे पास इसका गोश्त पहुँचाया जाएगा ना खून पहुँचाया जाएगा। फरमाया वला कि यनालुहु तक्वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि लेकिन जो है इस कुर्बानी करने वाले का तकवा इखलास हम तक पहुंचाया जाएगा, जो कुर्बानी करेगा इखलास और तकवा के साथ वो हम तक पहुंचेगी। और एक हदीस के अंदर आता है अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान इखलास और तकवा के साथ, अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान इखलास और तकवा के साथ कुर्बानी करेगा कल क़यामत के अंदर ये कुर्बानी जो है उसके और जहन्नम की आग के दरमियान आड़ बन जाएगी, यानी शख्स को जहन्नम की आग के अंदर नहीं जाने देगी।
और एक हदीस के अंदर आता है, अगरचे कमज़ोर हदीस है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यह कुर्बानी जो है कल पुले सिरात के ऊपर तुम्हारी क्या बनेगी, सवारी बनेगी। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सम्मिनु जहाया को कि अपनी कुर्बानियों को खूब मोटा ताज़ा जो है किया करो, फिर उनकी कुर्बानी किया करो, ये तुम्हारे लिए कल पुले सिरात पर सवारी का काम देगी। उलमाए किराम ने इसकी मुख्तलिफ तशरीहें लिखी हैं। एक तो यही लिखा है कि वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी ज़िंदगी में कुर्बानी की सबको जमा करके एक अच्छी सवारी इसको देंगे। दूसरा ये लिखा है कि उसकी बदौलत उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुले सिरात को जो है इसे जो है आसानी के साथ गुजरवा देंगे। अब बताओ कि जो इंसान एतराज़ करे, जो इंसान ये शोर में चाहे कि कुर्बानी ना करो इसकी जगह सदका कर दो, कुर्बानी ना करो इसकी, अब किसी ने कहा है कि भाई नमाज ना पढ़ो इसकी जगह गरीब की मदद कर दो, या किसी ने कहा है कि कोई आदमी अगर किसी महकमे में रिश्वत दे भाई रिश्वत न दो इसकी जगह किसी और की मदद कर दो, या किसी और बड़े आदमी की दावत करे किसी बड़े आदमी के साथ ताल्लुकात हो उसको हदिया दे तोहफा दे, किसी ने कहा है भाई हदिया ना दो ये कर लो, नहीं बस एक अल्लाह के हुक्म के तहत जो चीज़ आए बस उस पर एतराज़ आवाम का। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि अपनी कुर्बानियों को क्या करो खूब मोटा ताज़ा करो, कल क़यामत के अंदर ये क्या होंगी आपके काम आएंगी। तो उलमाए देवबंद आखिरी बात सुना के बाद ख़त्म करते हैं। तो हज़रात उलमाए देवबंद ने इसके ऊपर जो है बड़ी अच्छे तरीके से इस पर अमल करके जो है हमें बतलाया है, सहाबे किराम ने, फिर उसके बाद ताबईन ने, ताबईन के बाद औलिया अल्लाह ने, उलमाए देवबंद ने हमें हर चीज़ एक एक चीज़ करके दिखलाई है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह के बारे के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे ईद उल अज़हा गुजरती, ईद उल अज़हा पढ़ते पढ़ने के फौरन बाद एक गाय खरीद लिया करते थे, बस गाय को खरीद कर सारा साल उसकी खिदमत किया करते थे, सारा साल उसको खिलाना पिलाना मानूस अपने साथ कर लिया करते, सारा साल खूब उसकी खिदमत करते, जंगल में ले जाते, सबक पढ़ने के लिए आते, साथ लाते, बाहर दारुल हदीस के वो गाय को बिठाकर फिर वापस, यानी खूब उसके साथ जो है उल्फत पैदा करते। फिर जब जो है कुर्बानी वाले दिन फरमाया कि जब वो ज़िबा करते तो उनकी आंखों से आंसू टपकते थे, क्यों ना टपके, आदमी इतने प्यार से किसी चीज़ को रखे, किसी चीज़ के साथ लगाव हो, मोहब्बत हो, उन्स हो, फिर उसको अल्लाह के रास्ते के अंदर ज़िबा करे, यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखलाया था। फरमाया कि फिर उनकी आंखों से आंसू टपकते कि मैं इतनी प्यारी चीज़ पूरा साल मैंने इसकी खिदमत की है आज मैं इसको ज़िबा कर रहा हूँ। फिर साथ के अंदर जो है फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त तक आपको महबूब नहीं रखेंगे जब तक आप अल्लाह के रास्ते के अंदर वो चीज़ ना दे दो जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है। खूब इस तरीके से जो है उन्होंने कुर्बानी सारी ज़िंदगी का मामूल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी जो है इन अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।